भाई एशियन गेम्स में हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने करा है कुछ ऐसा काम, फाइनल में हरा के श्रीलंका को गोल्ड मेडल किया है अपने नाम। भाई गजब की परफॉर्मेंस रही है हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम की। कल था एशिया गेम्स का फाइनल जो कि खेला जा रहा था भारत और श्रीलंका के विरुद्ध हांगझो के क्रिकेट स्टेडियम के बीच, और अब देखते हैं कल हुआ क्या। तो भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और ये फैसला किया कि जी वो बल्लेबाजी करेंगी। बल्लेबाजी करने ओपनिंग पे आई हमारी स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा, दोनों बहुत ही धाकड़ ओपनर्स हैं। अब शेफाली का विकेट जल्दी गिरता है, लेकिन फिर स्मृति मंदाना और जिमी रॉड्रिक्स के बीच एक शानदार साझेदारी होती है जिसकी बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचती है। दोनों मिला के कुल स्मृति मंदाना और जिमी रॉड्रिक्स 73 रनों की यहाँ पे साझेदारी करती हैं और ये मेक श्योर करती है कि एक अच्छे टोटल की तरफ भारत जाए। लेकिन फिर होता है भारतीय क्रिकेट टीम का एक अनवांटेड कोलैप्स। उसके बाद ना ऋषा घोष, ना हरमनप्रीत कौर, ना पूजा वस्त्रकर कोई भी ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाता और हाइएस्ट रन स्कोर रहती हैं हमारी स्मृति मंदाना और उसके बाद जिमी रॉड्रिक्स। जहाँ स्मृति मंदाना 46 बनाती हैं, वही जिमी रॉड्रिक्स ने 42 रन बनाए और फिर उसके बाद 116 पे 7 का स्कोर खड़ा कर पाई हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। अब चेस था 117 रन का, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंकन क्रिकेट टीम शुरू से ही लड़खड़ा रही थी। मतलब कि उनको मौका ही नहीं दिया भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कि वो इस चेस में कहीं से भी खड़ी हो पाए। जहां हमारी भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की तरफ से तिता साधु, जिनके लिए भाई गजब का ये साल रहा है, अंडर-19 वुमेन्स क्रिकेट का उन्होंने खिताब जीता। उसके बाद जैसे हमने देखा कि सीनियर वुमेन्स का जो T20 वर्ल्ड कप था इस समय, उसमें भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था उनकी तरफ से, और अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। तो 3 विकेट ली तितास ने। उसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ के नाम भी 2 विकेट रही, दीप्ति और पूजा के नाम भी 1-1 विकेट रही। लेकिन कमाल की बात यह थी कि मौका ही नहीं दिया आपने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को कि वो इस टारगेट को चेस कर सके। हाँ, बीच में ज़रूर जब हसन परेरा और नेक डिसिल्वा के बीच में एक साझेदारी हो रही थी, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच निकाल के ले जाएं। पर वुमेन्स क्रिकेट में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि मिडल ओवर्स में ही ये गेम चेंज होती है। या तो आप अटैक करके आउट होते हैं, या तो आप स्कोर को बचाते हुए आउट होते हैं, और भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऐसा बहुत ही समय के बाद किया है कि अपने स्कोर को डिफेंड किया है। और 116 कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं था, एक लो स्कोरिंग ये फाइनल रहा, लेकिन गजब 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 की परफॉर्मेंस दी है हमारी भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने। पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में जरूर उस गोल्ड से एक कदम दूर रही थी, सिल्वर मेडल जीता था तब, लेकिन अब एशियन गेम्स में अपनी जीत को बरकरार रखते हुए, खैर 3 ही मैच खेलने थे। पहला मैच अगर हम बात करें तो भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम का वो वॉशआउट था, और उसके बाद सेमीफाइनल जीतना ज़रूरी था, जिसको भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने काफ़ी जो है कन्विंसिंगली वहाँ पे जीता और बांग्लादेश को आराम से हराया। लेकिन ये फाइनल आसान नहीं था, पर इसको आसान बनाया हमारी गेंदबाजों ने, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना और जिमी रॉड्रिक्स की उस साझेदारी ने। बहुत बहुत मुबारक हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को, और उम्मीद तो यही है, आशा यही है कि ये वुमेन्स क्रिकेट टीम ऐसे ही और खिताब जीतती रहेगी। और यहाँ पर मैं और एक क्रेडिट देना चाहूँगा हरमनप्रीत कौर। देखिए काफ़ी तनकीद करी जा रही थी इनकी कि ICC ट्रॉफी से जीतती हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन पिछला एक साल इनके लिए गजब का रहा है। जहां हमने देखा कि इन्होंने पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल दिलवाया था भारतीय क्रिकेट टीम को, उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पे जाके 3-0 से इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। फिर हमने देखा कि जो WPL थी, वुमेन्स प्रीमियर लीग, भारत की इनॉग्रल सीज़न था जो, उसके अंदर भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए इन्होंने वो खिताब जीता, और अब हमने देखा कि एशियन गेम्स के फाइनल में गोल्ड मेडल जीत के हमारे पूरे भारत का इन्होंने नाम रोशन किया है। दूसरा गोल्ड मेडल आया था भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम के नाम, और पहला हमारा एशियन गेम्स में जो शूटिंग के अंदर नाम गया था। तो अब हमारी मेंस क्रिकेट टीम भी जो है एशियन गेम्स खेलने उतर रही है। इन्होंने भी देखिए, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट की रैंक टीम्स हैं वो टॉप 5 या टॉप 6 में आती हैं, तो उस बदौलत इनको जो है डायरेक्टली नॉकआउट स्टेज के अंदर जगह मिल जाती है, तो हर मैच नॉकआउट होता है। तो उम्मीद तो यही है हमारी मेंस क्रिकेट टीम भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।